और इस वक्त की सियासी गलियारे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, ईडी के रिमांड को चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि अदालत ने उन्हें तुरंत इंटरिम बेल देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो एक चुने हुए नेता हैं, ये इस बात को जानते हैं, 90 दिनों से जेल के अंदर हैं, उन्हें तुरंत इंटरिम बेल दी जाती है। बहुत बड़ा आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। एक चीज एक बड़ी समझनी होगी हमें कि तो ये राहत भरी खबर केजरीवाल के निकल के लिए सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बताते चले कि जब आम चुनाव थे तो उस समय भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर ही बाहर जो है वो भेजा गया था, उन्हें जमानत मिली थी। और इस दौरान हालांकि अंतरिम जमानत में काफी कुछ जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। आम चुनाव की बात करें तो केजरीवाल को उस दौरान किसी भी प्रकार के प्रचार की के दौरान जिस केस में उनको जेल में रखा गया था उसके बारे में जिक्र करने पर मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था वो गिरफ्तारी और रिमांड को, जो चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने किया था उस मामले में कोर्ट ने 17 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल